अनिता सोनी है, डायरेक्टर हूँ राजमहल बैंक्वेट की। प्लीज़ आप सब आइए और इन्जॉय किए। यहाँ पे साइलेंट गरबा चल रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन फ्री साइलेंट गरबा है और बहुत मज़ा आ रहा है। वी हैव प्रीति पिंकी, फिर आनंद चिंद जी आ रहे हैं। वी एक्सपेक्टिंग फ्यू मोर अच्छे अच्छे गायकों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ कम एंड एन्जॉय, बिकॉज़ ऐसे होता है कि लोग ऑफिस से आते हैं 7 से 9-10 बजे तक का ही टाइम है, फिर 10 बजे के बाद हम लोग खेल नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट बात ये है कि 10 बजे से बाद भी हम लोग ऑफिस से आके यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं, या कॉलेज से आके, मतलब जो थके भागे लोग हैं वो आके रात को भी इन्जॉय कर सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे दूसरे दिन छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे लोग इन्जॉय कर सकते हैं। दिस इज दर्शन सोनियर, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी। ये जो साइलेंट गरबा है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है हर जगह पे, उसको कम करने की बहुत ज़रूरत है, उसको कंट्रोल में लाने की बहुत ज़रूरत है, जिससे बहुत ही लोगों को तकलीफ़ हो रही है। हॉस्पिटल्स है, पुलिस है, या बूढ़े बुजुर्ग है, या फिर जिनके स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स चालू हुए अभी हाल में, तो इसीलिए हम लोग ने ये कंसेप्ट लाया है 2 साल पहले, और अभी फिर से उसमें एक इनोवेटिव चीज़ ला रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि इसमें डीजे तो बहुत बढ़ सकता है, बट लाइव कॉन्सर्ट होगा तो कैसे होगा। तो हमने इसलिए इस बार नया एक कंसेप्ट लाया है, हम लोग ने एक साउंड प्रूफ बूथ लाया है, और साउंड प्रूफ बूथ के अंदर सिंगर्स गाएंगे और उसका डायरेक्ट आउटपुट हेडफोन्स में दिया जाएगा। एंड ये बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है, अगर ये चल जाती है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग विक्ट्री इन दिस। सेकेंडली, इसे जिसको एन्जॉय करना है, बेसिकली मैं जैसे कहा कि सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, सो वी टेक केयर ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग। जिससे जैसे कि आम जनता है जिनको खेलना है, जो यंगस्टर्स है जिनको खेलना है, उनकी फ्रीडम है, उनकी राइट्स है, उसको मतलब मस्ती मजा करने की, एक यंग एज होती है, तो उनके लिए वो बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है और उनके लिए फ़ायदेकारक चीज़ है कि इससे वो फुल नाइट एन्जॉय कर सकते हैं। जैसे पहले गरबा हम लोग मुंबई में खेलते थे, ना किसी को हम लॉ ब्रेक कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और मज़ा भी इतनी मज़े से ले रहे हैं। देखो, वैसे तो ये देश में म्यूज़िकल सिस्टम, पुराने ज़माने में मृदंग होते थे, ढोल होते थे, ताशा होता था, ये देश उत्सवों का देश है। ये देश का जो बेस है वो उत्सव है, यहाँ की पूरी इकोनॉमी उत्सवों के आधार पर चलती है। आपने देखा होगा दीपावली में पूरे बाजार चलते हैं, होली में कुछ, और गाँव के अंदर त्योहारों पे, ईद पे आप देखेंगे तो पूरा वातावरण एकदम बाजारों का भरा रहता है। तो ऐसे में ये म्यूज़िक के ऊपर जो रोक लगी है वो तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ की एक समय सीमा होनी भी ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की सीमा होनी ज़रूरी है। तो आखिर में कानून का हम लोग पालन करने वाले लोग हैं, तो उसमें से ये जो रास्ता निकला है साइलेंट गरबा की, किसी को तकलीफ भी नहीं हो। कभी कभी होता भी है ऐसा कि नवरात्रि में इतना ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा होता है और कोई बेचारा बीमार होता है और वो तकलीफ़ में होता है। तो ऐसे में से जो रास्ता निकला है बहुत ही सुंदर रास्ता निकला है, और जिसको जितनी देर तक और गरबे का आनंद लेना है वो ले सकता है, और ये बहुत इनोवेटिव है। हम लोग 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, ये उसका द्योतक है कि हमारा उत्सव भी कोई किसी को डिस्टर्ब किए बिना। आज़ादी का मतलब क्या होता है कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आज़ादी का मतलब ये होता है। तो ये बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए और लोग अपना मज़ा कर रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, और ये एकदम इनोवेटिव है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसका प्रचलन बहुत बढ़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मलाड से और हमारे भाई साहब ने शुरू किया, तो आने वाले इतिहास में और इनका नाम दर्ज होगा कि पहला ऐसा इनोवेटिव गरबा इन्होंने शुरू किया है, और वो दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है। इसकी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत छोटा हॉल है और शायद ये ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। अगर ये मेहनत करें और बड़ा हॉल लें तो 10,000 लोग उसमें आ जाएंगे, देर तक खेलेंगे। कोर्ट, अपना कोर्ट को भी ये रहेगा कि भाई मैंने तो म्यूज़िक सुना ही नहीं, और खेलने वाले अपना खेलते रहेंगे। एक्टिविटीज़ में ला सकते हैं तो बेसिकली नवरात्रि अराउंड था, एंड इट वॉज अ यूनिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज नवरात्रि के टाइम पे हर लोगों को यही होता है कि 10 बजे के बाद कहीं खेलने जा नहीं सकते, और अगर आप आज देख भी रहे हो तो 10 बजे के बाद पीपल कैन प्ले विद ऑल द फन दैट दे हैव, तो ज़ील एंथुजियाज्म मेंटेन रहता है लोगों के बीच में। हाय, मेरा नाम अबोली आनंद है, और इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मेरा आइडिया था। 2017 में हमने इसे लॉन्च किया था, बिकॉज 2017 में ए दिल है मुश्किल लॉन्च हुआ था मूवी, जिसमें ये आइडिया था साइलेंट डिस्को नाम का। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना नवरात्रि में साइलेंट डिस्को को साइलेंट गरबा किया जाए। एक्चुअली ये हमारे लिए पहली बार है कि हम लोगों को एक मौका मिला है। देवेश भाई ने बताया कि भाई चलना है, तो हम लोग ने बहुत हैप्पीली एक सोचा कि चलिए चलते हैं करके,
एंड इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो मुझे ऐसा लगता है इट विल रियली वर्क. इसका एक अपना ही मजा है, जैसे बोलते हैं लाइफ का एक अपना ओपन का रहता है, वैसे ये बैंक्वेट का जो है और जो हेडफोन्स के साथ है, इवन दिस इज वेरी ऑसम, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट.